हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे क्या कि आज हम बात करने वाले हैं आपके इंडियन नेवी डबल ए एंड डबल एस आर 2020 पोस्ट के ऊपर, जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं रिजल्ट और कट ऑफ को लेकर। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, हम हर एक चीज़ देखने वाले हैं। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के बाद में आपको दिख रहा होगा कि आप बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों, बहुत से लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपसे सच छुपा रहे हैं, हम उससे भी आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं आगे और करते हैं हर एक चीज को डिस्कस। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं, जब तक हम आगे देखने वाले हैं हर एक चीज को, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, यदि आपने करंट अफेयर्स परचेज नहीं किया दोस्तों, जो कि बहुत से कैंडिडेट अभी तक कर चुके हैं, तो आप कर सकते हैं। इसकी टेस्ट सीरीज है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। लास्ट वन ईयर का आपका करंट अफेयर्स है। यदि आप आने वाले सेशन के लिए एग्जाम देना चाहते हैं तो आप जरूर परचेज करें, क्योंकि आपके यहाँ पर पूरे पूरे क्वेश्चंस इसी से आते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मात्र एंड ओनली आपका 50 रुपए चार्ज पे करना होगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। दोस्तों, बहुत से डाउट्स आ रहे हैं, सर कट ऑफ किया जाएगा, कट ऑफ किया जाएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, ऐसे बहुत से डाउट्स आ रहे हैं। चूंकि दोस्तों, मैंने आपको शायद बताया भी था करीबन आपको 1 मंथ पहले एक वीडियो प्रोवाइड किया था, बट आपका रिजल्ट आने वाला है तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आपका संभावित कट ऑफ क्या रह सकता है। हालांकि स्टेट वाइड यहाँ पर हम बताने वाले नहीं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास। बहुत से कमेंट्स आते हैं, सर मैं आपके कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ, जम्मू से बिलोंग करता हूँ, क्या जाएगा कट ऑफ, प्लीज बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, एक बात बोलना चाहूंगा, यदि आपके मार्क्स 50+ हैं, जहां पे सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है, आप सुरक्षित हैं, ओके। और यदि आपके जहां पर बहुत से कम कट ऑफ देखने को मिलता है, कम ही कट ऑफ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका त्रिपुरा यहाँ पर 8 गया था लास्ट ईयर में, तो दोस्तों आपके यहाँ पर करीबन 9 से 10 मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर की अपेक्षा यहाँ पर 1 से 2 नंबर इंक्रीज होने की पूरी पूरी संभावना बन रही है ना। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अब आपके रिजल्ट के बारे में, जो आप लोगों को भ्रमित कर रहा है बहुत ज्यादा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आपको बता दें रिजल्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहा है, कल से तो लगातार डाउट्स आ रहा है, हालांकि मैंने वीडियो प्रोवाइड नहीं कराया, फिर भी डाउट्स आ रहा है, सर रिजल्ट क्यों नहीं आया, रिजल्ट क्यों नहीं आया। दोस्तों, वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया था ताकि आप लोगों को यहाँ पर मैं 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जब आपका रिजल्ट आए तब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। लेकिन हुआ क्या, आपका रिजल्ट आया नहीं, इसलिए मैंने आपको कल वीडियो प्रोवाइड कराया नहीं, बट बहुत ज्यादा कमेंट्स आ गए थे तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको प्रोवाइड करानी चाहिए। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत से कमेंट्स, या बहुत से आपको यूट्यूबर या बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, आपका रिजल्ट अभी 1 घंटे बाद आने वाला है, आपका रिजल्ट अभी 2 घंटे बाद आने वाला है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। कोई बोल रहा है इस वीक में आएगा, कोई बोल रहा है उस वीक में आएगा, कोई बोल रहा है 5 दिन बाद आएगा, कोई बोल रहा है 10 दिन बाद आएगा, लेकिन क्या 100% रियलिटी ये है दोस्तों, अभी किसी को फिक्स पता नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा तो कब। चूंकि आपके वहां पर मैंने खुद कॉल से बात की है, आपके वहां से रिस्पॉन्स भी मिला था कि आपका 1 वीक बाद रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा, करीबन करीबन 28 फेब तक, लेकिन आपकी 28 फेब भी निकल गई है, आपका रिजल्ट कल भी नहीं आया, इसका मतलब उनका भी वहां पर फिक्स नहीं रहता कि रिजल्ट आपका कब आउट होना है। और दोस्तों, बात करें सर आप कब आने के चांस है, तो फ्रेंड्स आपका रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है, आपके नेक्स्ट मंथ में, मतलब कि आपके मार्च में, कभी भी फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, कभी भी आपका रिजल्ट आउट हो सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां से ऐसा कोई फिक्स रिप्लाई ही नहीं आ रहा है कि आपका इस टाइम पे इस डेट में रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। आपका रिजल्ट हो सकता है कल ही आपको देखने को मिल जाए, आपका रिजल्ट हो सकता है आज ही शाम तक आपको देखने को मिल जाए, आपका रिजल्ट हो सकता है आपको लास्ट मंथ की, अगले मंथ की लास्ट डेट तक देखने को मिले, किसी को कुछ नहीं पता। तो आप लोग फालतू में परेशान मत होइएगा कि किसी की वीडियो देख ली और बोल दिया सर रिजल्ट क्यों नहीं आया, क्या कारण है, आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं,
आप तो अपने यदि आपका पेपर निकल रहा है तो मस्त फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि वहां पे भी बहुत से पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं। कट ऑफ मैंने आपको बता ही दिया है। यदि आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर कट ऑफ हाई ही जाता है, तो दोस्तों आप वहां पर 50+ लाएं, ओके, 51, 52, 54 के समथिंग समथिंग। यदि आपके इतने मार्क्स हैं, आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है, तो आप सुरक्षित हैं, है ना। और आपका जहाँ पे कम कट ऑफ जाता है, मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल आपका त्रिपुरा, तो आपके यहाँ पर करीबन 9 से 10 मार्क्स होना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, तब आप सुरक्षित कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि 8 आ गया तो मेरा सिलेक्शन डन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर एक साल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ना कि डिक्रीज। कम नहीं रहा है दोस्तों, बढ़ ही रहा है। आपको भी पता होगा, अवेयरनेस की है बात, तो अवेयर आजकल का हर एक पर्सन बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है। और यदि आप लोग टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल करा दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। ओके, इसकी समय सीमा है क्या? आफ्टर 3 डेज तक आपको ये मिल सकते हैं, 3 डेज के पहले पहले बिफोर तक आपको मिल सकते हैं, इसके बाद नहीं मिल सकते। ओके, एक्सपायर हो जाएगा। चलिए ओके, लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।